ये भाई यहाँ पर कॉफी तैयार होगी और हमारे हलवाई ने देख लो निकाल भी दी। घोड़ा गिर गया था, स्लिप हो गए। रखवाएं भाई सामान। बच्चे एटलीस्ट दोस्तों पहुंच गए हैं मंदिर। ये आ गया ऊपर और यहाँ से आगे जो है इस तरफ चंद्रशिला के लिए ट्रैक है 1 किलोमीटर का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता। दोस्तों कैसे हो आप सभी, मैं रोकी कटारिया आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे न्यू व्लॉग में। और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, हम चार धाम यात्रा पे निकले हुए हैं और आज करीब हमारा 3rd से 4th डे है। अभी तो ध्यान भी नहीं है कितने दिन हो गए निकले हुए। पहले केदारनाथ गए थे तो अब जो है हम रात को केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रहे थे। बीच में होता है चोपता तो वहाँ पे हमने स्टे किया क्योंकि हमारे को जो है वो तुंगनाथ का ट्रैक भी करना था। और जो तुंगनाथ का टेंपल है वो वर्ल्ड में सबसे ऊंची, मतलब सबसे हाइट पे है, जो शिव का टेंपल है, जो इसकी हाइट तो केदारनाथ से भी ज़्यादा है वैसे। तो यहाँ से भी हम चोपता में हैं। रात को हमने यहाँ पर खाना खाया और जो है रूम ले लिया था यहीं पर पास में ही, बिल्कुल ज़्यादा क्राउड नहीं है तो नॉर्मली रूम मिल गया था। वैसे तो 2500-3000 रुपये बोल रहे थे लेकिन बार्गेनिंग करके हमने जो है 1900 रुपये में रूम फाइनल कर दिया। और बकेट के हिसाब से गर्म पानी जो है वो पर बकेट 100 रुपये है तो उसके अलग चार्ज हैं। तो अभी हम करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके एक एक सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। और चलो फिर, वैसे तो मैं आया था 22 जनवरी को भी चोपता, लेकिन उस टाइम पे मैं तुंगनाथ का ट्रैक नहीं कर पाया था क्योंकि हमने यहाँ चोपता तक ही नहीं पहुँच पाए थे। हम करीब 12 किलोमीटर नीचे ही हमें जो है वो गाड़ी स्टॉप करनी पड़ी थी, बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और वहाँ से ट्रैक करते हुए 12 किलोमीटर तब हम यहाँ आए। और इससे आगे तो बहुत बुरा हाल था तो इससे आगे नहीं जा पाए थे, तो इसलिए जाना तो था ही और बीच में रास्ते में था ही चोपता बद्रीनाथ से केदारनाथ जी में। तो चलो फिर करते हैं जर्नी स्टार्ट। अभी अंदर कॉफ़ी बन गई है और आपको रूम दिखाता हूँ। ये रूम है दोस्तों हमारा। उठ गए भाई सारे? गुड मॉर्निंग होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये भाई यहाँ पर कॉफी तैयार होगी और हमारे हलवाई ने देख लो निकाल भी दी इसके। ये डेढ़ जाना है भाई। हाँ यो भाई हमारा गिलास। ओ भाई साहब तो ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये वही टेस्ट तो बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया ना? हाँ बहुत बढ़िया टेस्ट है। ये यहाँ पे नॉर्मल सा वॉशरूम है और अभी बस नहाके निकलते हैं, करते हैं ट्रैक स्टार्ट। वो तो बता दे एक ना नहाने वाला बंदा क्या? हाँ एक वो नहीं ना आएगा, 100 रुपए हमारे बच गए एक बकेट के। फिर ठीक है निकल लिए हम रूम से और एक्स्ट्रा के जो बैग्स हैं वो गाड़ी में रख देते हैं, फिर करते हैं ट्रैकिंग स्टार्ट। चलो भाई जय बाबा की। जयकारा तो लगा दिया हो तुम। जय बाबा की। ट्रैक तुंगनाथ का वो पहले ही मैंने डिटेल
आजा तू वैसे भी बाहर निकल जा आजा आजा। तो दोस्तों अब हम चल पड़े अपने सेकंड ट्रैक पे और ये चार धाम यात्रा रहेगी। इसमें हमारे करीब करीब 100 से 110 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा टोटल। कल हमने जो है वो 20-22 किलोमीटर का केदारनाथ का ट्रैक किया और अप डाउन वही 40-45 हो गया और आज तुंगनाथ का करते हैं। ये बता रहे हैं कि 7-8 किलोमीटर का रहेगा अप डाउन में, यही ये लगा लो कि 55 किलोमीटर हो जाएगा आज हमारा। तो भाई रेडी हो सारे? रेडी भाई। जय बाबा की, जय बाबा की। बम बोले करते हैं। यहाँ से जो है ना ये ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा तुंगनाथ बाबा का। तो आपको दिखाते हैं रास्ते। अभी दोस्तों ट्रैक पे जो 500-700 मीटर ही आए हैं और ब्रीद जो है मुश्किल हो गया सांस लेना। और वो कल वो भाई बहुत कल के हीरो थे वो। और आज मौसम की तरह यहाँ पे हालात बदल जाते हैं भाई। और अभी जो ये ट्रैक है ना इसकी अगर मेरे पास क्लिप मिली ना, जब मैं जनवरी करीब 22 तारीख को आया था तो मैं वो इसमें ऐड करूँगा। ये पूरा ट्रैक है जो वो बर्फ़ से ढका हुआ था। तो आपको अगर आप प्लान करते हो आने का तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि जनवरी 25 तक कैसा जो है वो आपको ट्रैक मिलेगा। तो वो अगर मिली क्लिप तो मैं इसमें ऐड करूँगा। दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है। ये बारिश तो लगता है हमारे ट्रिप का हिस्सा ही हो गई है। और ये देखो दोस्तों सामने जो ये घोड़ा गिर गया था स्लिप होके। रखवाएं भाई सामान रखवाएं। रुक जा। तो यही प्रॉब्लम है। और ये सामान जो है ना, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये दोस्तों इसलिए महंगी मिलती है कि यहाँ से तुंगनाथ तक का जो ये है ना घोड़ा, ये मिलता है 1350 रुपये का। तो ये 1350 रुपये सारा इसी पे चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसलिए महंगा मिलता है, लेकिन आपको हर जगह चीज़ें मिल रही हैं, ये भी काफ़ी है। चलो फिर निकलते आगे। इन्होंने जो है कॉल करके वो अपने जो साथी हैं इनके वो बुला लिए हैं, तो वो इनकी हेल्प कर देंगे। हम निकलते हैं आगे। दोस्तों बारिश आ गई है और रेनकोट फिर से हमने पहन लिए हैं। ये हमारे साथी हैं। तो वही धीरे धीरे करके आने लग रहे हैं। धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा लग रहा। तो अभी हम 1 से 1.5 किलोमीटर आ गए हैं। हेलो बड़े आजा। 1 से 1.5 किलोमीटर चले हैं। इसी में इतना मौसम देख लो चेंज हो गया कि हमने पहले नॉर्मल थोड़ी थोड़ी धूप भी थी जब स्टार्ट किया था, लेकिन अब तो बुरा हाल हो गया। ये कुछ व्यू है दोस्तों ट्रैक शुरू करने के 1.5 किलोमीटर टाइम नहीं देखा कितना लग गया यहाँ तक। और जो फैमिलीज जो रेनकोट नहीं ले रही वो परेशान हो रहे हैं अभी, ऊपर पता नहीं मिलेगा या नहीं। लेकिन हमने तो अपना केदारनाथ वाला ही संभाल के रखा हुआ था और वही अब यूज कर रहे हैं। ये भाई ट्रैक पे करीब 1.5-2 किलोमीटर के बाद ये बताया गया इसके बारे में, तुंगनाथ मंदिर और उससे ऊपर जो है चंद्रशिला का जो ट्रैक है। तो पूरा पढ़ के नहीं बताया जाएगा, आप एक बार देख लो और फिर चलते हैं आगे। दोस्तों करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास रह गया ऊपर। और ये मौसम देखो, टाइम लगभग 10-11 बज गए होंगे। और ये रास्ते में देखो कैसे फूलों वाले पेड़ हैं, नज़ारा तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये बारिश ने ना पूरी परीक्षा ले रखी है हमारी। और जो बैठने की जगह है वो भी गीली है सारी। तो फिर
मामला खराब है। देखो कुकर टू क्या पापा की क्या पापा की कौन मनु करेगा कुकर राज है। अच्छा रे समावान दिया भाई। क्या कर दिया यार समुद्र उड़ गया। चलो बोले भाई ट्रैक जो है बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा काम हो रहा है एक घंटे का। ये दोस्तों फर्स्ट स्नो है और बता रहे हैं कि ऊपर बहुत ज़्यादा है। वैसे तो थोड़ा ही रह गया अभी तो, और लेकिन जो है वो ट्रैक जो है और मुश्किल होता जा रहा है। अभी निकलते हैं चलो। ओ भाई साहब अभी तो बहुत जान बचा है हमें तो। हाँ ये व्यू है भाई, कुछ दिख नहीं रहा। एटलीस्ट दोस्तों पहुंच गए हैं, मंदिर भी आ गया ऊपर, और यहाँ से आगे जो है इस तरफ चंद्रशिला के लिए ट्रैक है 1 किलोमीटर का, और बर्फ ही बर्फ है वैसे, और मौसम साफ नहीं है इसलिए विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। चलो फिर चलते हैं आपको मंदिर के अंदर लेके। यहाँ पे जो रूम है होम स्टे वगैरह है, जैसे हम 5 बंदे हैं तो पता क्या था करीब 2000 से 3000 तक अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये पकड़ियो, तो 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको जो है वो मिल जाएगा रूम। जय बाबा तुम नाथ महाराज, जय बाबा की। ये देखो दोस्तों मंदिर। अभी जो है दोस्तों तुंगनाथ के टेंपल पे ही हैं और स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल हल्की हल्की है तो वेट करते हैं थोड़ा। वेदर बहुत जबरदस्त है भाई, जल्दी से जल्दी पैक करो सामान और निकल लो बस। ऐसे वीडियो देखने से मजा नहीं आएगा और ना ही काम चलेगा, जल्दी से आ जाओ। हाँ बिल्कुल स्वर्ग बोले। मौसम मत देखो जैसा भी है, आपको हिम्मत देगा भगवान, निकलो बस जल्दी से पैक करो जल्दी जल्दी। अभी जो हम जा रहे हैं वो तुंगनाथ मंदिर की बैक साइड में, और आज जो है वो 2 मई है, तो आप ये व्यू देखो। इससे जो है आप कभी प्लानिंग करते हो तो आपको पता चलेगा कि मई के 1 में जो है यहाँ पे क्या लोकेशन रहेगी और कितना जो है वो स्नो मिलेगा आपको। विजिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बहुत अच्छी लोकेशन है। ये दोस्तों हमारा किचन जो है वो ओपन हो गया है, और यहाँ कुछ हमारा छोटा सा स्टोव, हवा बहुत चल रही है, अभी इसमें बनेगी मैगी, उसके बाद कुछ खा के फिर निकलते हैं आगे की तरफ। जो स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी जरा जरा सी, वो जल्दी रुक गई है, तो कोई नहीं देखते हैं थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे, तब तक खाते हैं क्या पता किस्मत में हो स्नोफॉल हो ही जाए। मैगी डालो मैगी डालो। अरे ये पी है यहाँ नीचे है, इसके नीचे है निकाल ले।
तो घना दोस्तों मैगी हो गई तैयार। मैं कितने बैठूंगा यहाँ पे, जगह नहीं बिल्कुल, हर जगह बारिश थी। एक बार आगे देखते हैं कैसे, बस ये कोने से मिल जाएगा, एक चम्मच मांग ले उसको। मोनू ढंग से क्या, कैसी है, जुगाड़ कैसे करवाऊं? अरे इधर से दो चम्मच ले आओ उस्ताद जी, एक बार ये देखो दोस्तों कितनी अच्छी जगह पे बैठ के जो है मैगी खा। भैया मेरे हाथ देखो, ये मेहनती बंदे के हाथ देख लो, पूरा मसाला हाथों पे ही निकाल दिया। तो दोस्तों अभी निकलते हैं नीचे की तरफ, क्या जितेंद्र शिला पे नहीं जा रहे हैं, आपको ही पकड़ रहा हूं। वैसे तो 1 किलोमीटर है ऊपर और मौसम भी थोड़ा साफ हो गया, मतलब बारिश नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे है ना, जैसे ऊपर हाइट पे 360 व्यू ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जब विजिबिलिटी नहीं है तो इतनी हाइट पे जाने का क्या फायदा, कुछ दिखेगा ही नहीं दिखेगा, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो जो विजिबिलिटी है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा कम है। यहीं से आगे क्या पता कितना अच्छा नज़ारा हो, लेकिन दिख ही नहीं रहा, इसलिए हम नीचे नहीं जा रहे, सॉरी ऊपर नहीं जा रहे, चंद्र जिला पे हम जाएंगे ऊपर की तरफ। अरे उल्टा बोल रहा हूँ मैं तो यार, मतलब दोस्तों हम चंद्र जिला नहीं जा रहे ऊपर की तरफ, हम नीचे जा रहे हैं। अरे भाई जबान लड़खड़ा गई, इतनी ठंड है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों स्नोफॉल होने लगी है जरा जरा सी, तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, क्या पता अच्छी स्नो मिल जाए हमारे को। हाँ ये देखो ज़्यादा होती जा रही है स्नो, तो ये अभी मंदिर के पास ही है। वैसे मैगी खा के निकल रहे थे तो स्नो में कन्वर्ट हो रही थी बारिश, तो सोचा कि रुकी जाते हैं थोड़ा। ये भी दोस्तों चाय की चुस्की ले लेते हैं और वेट कर रहे हैं कि स्नो थोड़ी बढ़े तो चाय पी लो। गाइस चाय पी लो। अरे यो मेरा घूंघट हटाइयो थोड़ा। तो कितने रुपए की है यहाँ चाय पी लो? पता नहीं चाय कितने की है उस्ताद, दाम वाले चाय के पैसे लीजिएगा। कितने रुपए की है भाई? चार चाय चानी, पांच चाय, 100 रुपए, 20 रुपए के का, 20 रुपए एक चाय, ठीक है फिर तो। लेकिन बारिश ने जो है हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया, ये बस लेके गए और वापस ले आए, नहीं तो प्लान तो ये था कि वहीं पर जो है वो हम टेंट लगा के कैंपिंग करते, लेकिन आज करीब करीब कितना टाइम हो गया, थोड़ा सा दूर है भाई, टाइम कितना हुआ है, करीब करीब 2 बज गए हैं, तो बारिश का मौसम बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए हम नीचे ही आ गए। 2:25 और ये जो दोस्तों फूलों के पेड़ है, इसमें कुछ बारिश होने पर ही है या पता नहीं, हर टाइम ही ऐसी अच्छी खुशबू आ रही है, बस दिल खुश हो गया। हर हर महादेव दोस्तों, हम जो है वो ट्रैक करके आ गए हैं वापस, यही द्वार था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और करीब करीब अभी टाइम हो गया 3 बजे का, और हमने ट्रैक जो है स्टार्ट किया था करीब 8 बजे। टाइम तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो, कितना टाइम आप ऊपर रुकते हो या सीधा ही। तो बारिश ने काफ़ी परीक्षा ली हमारी, और दोस्तों काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, और हर सिचुएशन में अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और लाइक करो वीडियो को, और अगर आपका कोई दोस्त है जो ट्रैवल करना पसंद करता है या एक्सप्लोर करना पसंद करता है जगह को, तो उसके पास शेयर भी करो, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, आपके एक एक सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी मैं अपनी टीम को दिखा देता हूँ। अरे यहाँ तो लाइट ही नहीं है। हेलो हेलो, बाय बाय बोल दो भाई सभी को।
ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय। और हाँ, अभी तक हमारा जो है वो करीब करीब 50 से 55 किलोमीटर का जो है वो ट्रैक कर चुके हैं हम इस यात्रा में, पूरी चार धाम यात्रा में। और अब चलते हैं हम यहाँ से बद्रीनाथ। तो आप नेक्स्ट व्लॉग आए उसका वेट करो, जल्दी लेके आ रहा हूँ। बाय बाय।